आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी बिल्कुल सिंपल एंड साउंड एनालिसिस हम लोगों को करना है और बहुत ही ज्यादा ओवर प्रिडिक्शन की तरफ नहीं जाना है। मार्केट के अंदर बहुत ही नॉर्मल प्रिडिक्शन के साथ हमें बढ़ना है और ओवर प्रिडिक्ट कभी मत करना, ठीक है। कभी कभी क्या होगा ना, अभी जब भी आप ट्रेड की दुनिया में जब जाओगे तो सबसे पहले प्रिडिक्शन सही सही होनी होनी शुरू होंगी। क्लास में, क्लास के अंदर भी जाओगे तो, और धीरे धीरे करके फिर होने ये लग जाता है कि आप फिर ओवर प्रिडिक्शन करने लग जाते हो। एक दो बार अगर गलत चला जाए ट्रेड तो फिर ओवर प्रिडिक्शन शुरू हो जाता है माइंड में। ओवर प्रिडिक्शन बिल्कुल नहीं करना है। जो नियम है, जो रूल्स है, उसके साथ ही आपने आगे बढ़ना है, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए। तो ये चीज आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। और वी शेप स्विंग के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि वी शेप स्विंग किस प्रकार से काम करता है। जैसा कि कल मैंने आपको हिंट भी दिया था, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ये सब बहुत सारी छोटी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन की जहां तक बात करते हैं हम लोग, तो प्राइस एक्शन में आपको हमेशा ये सब सारी चीजें हेल्प करेंगे। तो चलो वी शेप स्विंग हम लोग देख लेते हैं अलग अलग जगहों पे कि किस प्रकार से काम करता है। तो एक देख लेते हैं, अमारा राजा बैटरी के अंदर वन डे टाइम फ्रेम लगा के यहां से एक वी शेप स्विंग बन के, और आपने देखा था आगे चल के कितना अच्छा एक अप मूव आया था यहां से। और जब भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से वी शेप स्विंग बनता है तो वहां से एक चैनल की शुरुआत होती है। अगर तो वो चैनल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वर्क करता है। इस चीज को मैं वापस दोहरा रहा हूं, आप ध्यान से सुन लेना। जब भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से वी शेप स्विंग बन जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से अगर वी शेप स्विंग बन जाता है तो उसके बाद एक चैनल बनेगा और वो चैनल बहुत ही काम करेगा। अच्छा, ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये पर्सनल मैंने अपने लाइफ में एनालाइज किया है, अपने ट्रेड में इसको देखा है कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से वी शेप स्विंग बन जाता है तो वो वी शेप स्विंग अच्छी रिकवरी देता है और उसके बाद एक चैनल की ऐसे शुरुआत होती है, वो चैनल बहुत अच्छा वर्क करता है। ये देख सकते हो आप यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो ये चैनल है आपका, जैसे कि आप देख सकते हो वन डे टाइम फ्रेम में भी एक वी शेप स्विंग कितना अच्छा वर्क करता है। तो हमारा जब बैटरी के अंदर अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लगा दो इसके अंदर वन वीक का, और आप देख सकते हो कि इसके पास एक सपोर्ट है। कहां पे सपोर्ट है इसके अंदर, तो ये वाला इसका एक अच्छा सपोर्ट सामने नजर आ रहा है एंड दैट इज ऑन 600। तो अगर कोविड का फॉल नहीं आता तो मैं आपको डायरेक्टली यहां पे कह देता कि अमर राजा बैटरी को 600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के और ऊपर 700 के टारगेट के लिए इसको बाई कर सकते हैं। क्योंकि आप पिछली बार अगर आप देखोगे जब 600 का जोन आया था, हमने अच्छा पुल बैक देखा था, पुल बैक आने के बाद एक अच्छा चैनल निर्माण हुआ था और ये 800 तक गया था उसी प्रकार से, और ये कुछ हफ्तों में ये काम हो गया था। तो अगर यहाँ पे अमर राजा बैटरी के अंदर हम लोग चाहें तो एक यहाँ पे, हालांकि अब लगता नहीं है कि उस तरह का लॉकडाउन होगा और जितना मार्केट को करेक्ट करना है यही 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर करेक्ट कर जाना चाहिए। क्योंकि कोरोना को अगर हम लोग अच्छे से समझें तो कोरोना के ऊपर हम लोगों ने ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन पे काम किया हुआ है। तो 600 का जोन यहाँ पे अमर राजा बैटरी के अंदर हम लोग इसको ट्रेड ले सकते हैं 600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, और टारगेट ले सकते हैं 700 का। तो यहाँ पे हमने 100 पॉइंट का प्रॉफिट, 100 रुपए का प्रॉफिट, 70-80 रुपए का प्रॉफिट हमें इजी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ था, हमारा जगह अंदर वी शेप स्विंग बना था। और हम लोग देख लेते हैं कहीं कुछ एक वी शेप स्विंग बनता है क्या। तो हम लोग बंधन बैंक को एक बार खोल के देखते हैं, बंधन बैंक में क्या चल रहा है।
और साथ ही साथ फिर हम लोग एनालाइज करेंगे आज का मार्केट जो मैंने कल बताया था उस हिसाब से। तो बंधन बैंक को भी अगर गाइज आप लोग देखोगे तो एक अच्छा डिमांड जोन में बंधन बैंक आपको यहाँ से दिख रहा है ना। ये वाला जोन है आपका, 1 वीक टाइम फ्रेम लगाया है, एक अच्छा डिमांड जोन में है, 276 की बाइंग है। आप नीचे का जोन अगर देखते हो तो 258। बंधन बैंक को थोड़ा सा क्वांटिटी जरूर पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके रखना चाहिए 400 के टारगेट के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाले दिनों में बंधन बैंक आपको 400 का टारगेट भी दे सकता है ना, अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है अच्छा खासा। तो यहाँ पे वनडे में आ जाओ, इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से देख सकते हैं कि एक अच्छा जो है पुल बैक आया हुआ है। अच्छा देखो, पुल बैक आया है, रिटेस्ट हुआ है और रिजेक्ट हुआ है, दैट इज अ एंट्री जोन। 260 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के और हम लोग ऊपर का सबसे पहला टारगेट जो होगा 310 का होगा और फिर आगे टारगेट हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका बंधन बैंक। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं हम लोगों को एनालिसिस कैसे करना है। तो डायरेक्टली हम लोग एनएससी इंडिया का साइट खोल लेते हैं, यहाँ से सीखने के लिए। तो कहाँ पे सीखें, ये सब चीजों को कैसे सीखा जा सकता है, तो हम लोग देख लेते हैं। चलो आज का टॉप गेनर टॉप लूजर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले HDFC, पावर ग्रिड और सन फार्मा। HDFC को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले इंट्राडे के लिए, और ये एनालाइज कर लेते हैं कि यहाँ से क्यों बाउंस आया है। एग्जैक्टली इस जगह से बाउंस क्यों आया है, अच्छा इसलिए बाउंस आया, ठीक है। और अब 2750 यानी कि चैनल में आ गया है, तो वापस HDFC ऊपर की तरफ। अच्छा, HDFC एक ऐसा स्टॉक है, अगर आप इसको एनालाइज करते हो, देखो 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा दिया है मैंने, और 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाने के बाद आपको मैं ले चलता हूँ कहाँ पे, 1 साल पहले, ठीक है, ज्यादा नहीं 2 साल पहले ले चलता हूँ। 2019 में ये जो स्टॉक है ये 1212 रुपए का हुआ करता था, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। 2016 लगा हुआ है ना, 2019 चलते हैं हम लोग, 2020 2020 2020 2020 2019, हाँ, और ये क्या है 2016, ये है आपका 2019। तो 2267 का स्टॉक था हालांकि, लेकिन अगर हम लोग 5 साल को एनालाइज करें तो 16 में अगर आप देखते हो तो 1218 रुपए का ये स्टॉक था, ठीक है, 1218 रुपए का स्टॉक था 2016 में। और आगे अगर आप देखोगे तो 3000 का स्टॉक बन गया ये 2021 में, मतलब 4-5 साल के अंदर अंदर आपका जो पैसा है वो दुगना से भी ज्यादा इसने रिटर्न दिया है ना। ये वाला आप देखोगे अगर, तो 2016 1251, नाउ वी आर ऑन 3000 3000, तो डबल से भी ज्यादा का मुनाफा ऐसे HDFC देता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर 10 साल पहले किसी ने इसके अंदर निवेश किया होता HDFC के अंदर, तो आप देख सकते हो कि उसका प्रॉफिट क्या होता। मात्र अगर हम लोग देखते हैं 2014-2010 को देख लेते हैं, तो मात्र 657 का ये स्टॉक 2010 में 10 साल के अंदर 3000 का हो जाता है, तो 5 times प्रॉफिट 10 इयर्स में, है ना। अब इसको एक रिजेक्शन फेस करना होगा, ये डबल टॉप का रिजेक्शन, इसको एक फेस करना होगा और इसके ऊपर कुछ दिनों तक यहाँ पे एक करेक्शन होगा, लेकिन फिर इसको भी ये झेलेगा और फिर ऊपर की तरफ निकलने वाला है। क्योंकि अगर हम ओवरऑल अगर इस स्टॉक को देखते हैं तो HDFC एक मस्ट बाय स्टॉक है इन योर पोर्टफोलियो, ठीक है, तो इसको आप जरूर रखना। अब HDFC को हम लोग इंट्राडे के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं अपने पोर्टफोलियो में, हर इंसान के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक तो कम से कम होना ही चाहिए। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाया है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 तारीख ये रेड कैंडल बना, सॉरी ये यहाँ से आप देख सकते हो एक अच्छा अप मूव आता है। तो वेयर इज द हायर लो का जोन, तो हायर लोस का जोन हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इस जोन को हमें कनेक्ट कर देना है दोनों को मिला के ऐसे,
देख सकते हो एग्जैक्टली। तो जैसे ही यहां से ब्रेकआउट आता है हम लोगों को एंट्री लेनी चाहिए, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट ऊपर का ले सकते हैं। अच्छा, अब एक चैनल भी बन रहा है तो इस चैनल को भी कनेक्ट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो उसके बाद जो हायर लो का जोन बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, और वो किस तरह से बनेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो यहाँ हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह का जोन बन रहा है। तो आप यहाँ पे पेपर पे ट्रेड कर सकते हो, सिस्टम के ऊपर भी जाके यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। दूसरा देख लेते हैं पावर ग्रिड को। सबसे पहले हायर लोज का जोन ढूंढेंगे और फिर इस स्टॉक में आज क्या हुआ है ये देखेंगे, ठीक है। राइट, देख सकते हैं हम लोग साफ साफ पावर ग्रिड के अंदर क्या देख सकते हैं हम लोग, हायर हाइज लगाता हुआ स्टॉक आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे एक वी शेप स्विंग भी हम लोगों को साफ साफ, एक डबल बॉटम पैटर्न भी यहाँ दिख रहा है। देखो एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है, ये इसका नेकलाइन है। अगर डबल बॉटम पैटर्न का नेकलाइन देते हो यहाँ, तो देखो ध्यान से क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ है, नहीं हुआ है। डबल बॉटम पैटर्न इतना मतलब स्ट्रॉन्गली बुलिश पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न, और डबल बॉटम पैटर्न के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देके काम करके आगे बढ़ना चाहिए। डबल बॉटम पैटर्न बनाया, एक अपसाइड मोमेंटम आया इसके अंदर, पहला जो हायर लोस का जोन बना वो बनेगा ये वाला जोन, ये वाला जोन एग्जैक्टली हायर लोस का बनेगा। जैसे ही ये ब्रेक हुआ एक बाई बन जाता है इसके अंदर, हालांकि रिटेस्ट नहीं हुआ है तो इसको हम लोग छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लगाएंगे 30 मिनट्स का, और देखेंगे कहीं कुछ यहाँ पे एक रेसिस्टेंस तो नहीं है। अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा हायर लोस का जोन, तो क्या हम कर सकते हैं हम लोग साफ साफ इस जोन को और इस जोन को मिला के ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हायर लोस का जोन जब बनेगा तो ये बनेगा 210 का, है ना। जब भी 210 पे अगर आता है तो हम लोग एक बार, जैसे 210 के ऊपर आता है और यहाँ से रिजेक्ट होता है, तो हम लोग इस कैंडल के अंदर बाई साइड जा सकते हैं, ठीक है। दोनों का एनालाइज कर लिया हम लोगों ने कि हमें इस जोन पे बाई करके, यहाँ से रिजेक्शन पे बाई करके और फिर चलना है। तीसरा देख लेते हैं हम लोग सन फार्मा को। आज अगर एनालाइज करना है तो कैसे करेंगे, सन फार्मा सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम लगा दो ऐसे, एक क्या यहां से सबसे पहले देखेंगे क्या यहां से कोई चैनल बन रहा है क्या। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर नीचे जाकर और चैनल के अंदर वापस आता है तो वहां पे एक हैवी बाइंग शुरू होती है, ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे हम लोग, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जूम करके, एक चैनल बन रहा है साफ साफ, चैनल से एक सपोर्ट लिया हुआ है। देखो नीचे से पुल बैक होने के बाद और जब वापस चैनल में आता है तो बायर्स टूट पड़ते हैं। ये चीज मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक नीचे जाके और चैनल के अंदर वापस आता है, ये मैंने एनालाइज किया है और मैंने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके तब आपको बता रहा हूँ कि नीचे जाता है और वापस अगर चैनल के अंदर एंटर करता है तो यहाँ से बायर्स अच्छी क्वांटिटी में इसको वॉल्यूम देते हैं और अच्छे क्वांटिटी में ये ऊपर जाता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं हम लोग क्या। आज तो एकदम बहुत ही शानदार मौका दिया आपको, एक असेंडिंग चैनल बना के और ऊपर गया और अब रिजेक्शन के जोन में पहुंच चुका है। अब कल देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। तो ये चैनल साफ साफ बन ही जाता है, चैनल के अंदर अगर आप 9:15 बजे से अगर आपने प्रैक्टिस किया होता तो डेफिनेटली यू हैव मेड अ वेरी गुड प्रॉफिट। नाउ वी आर गेटिंग अ डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे, और ये इसका नेकलाइन है। जब तक इसके ऊपर ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये अपना हायर लोस टेस्ट कर लेगा ऑन दैट ऑन 755, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हमें एक हायर लोस का जोन मिल रहा है, एक अच्छा सपोर्ट कहीं कुछ मिल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि 760 के ऊपर ऑलमोस्ट जहां मैं कह रहा हूं वहीं के आसपास एक हायर लोस का जोन बन रहा है ना। तो ये वाला आपका हायर लोस का जोन बना हुआ है 760 का। जैसे ये 760 आता है, यहाँ से अगर बाउंस आता है, हम लोग एंट्री लेंगे ऊपर के नेकलाइन के लिए, ठीक है। और फ्यूचर्स में अगर आगे जब मैं पढ़ाऊंगा फ्यूचर्स, तो आपको पता ही है फ्यूचर्स में
अच्छा खासा जो है आपको प्रॉफिट दे देता है। 3-4 रुपए एक वी शेप स्विंग बना हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे बना है ये वी शेप स्विंग। तो एक वी शेप स्विंग यहाँ से बना हुआ है आपका कुछ इस तरह से, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर। इस सपोर्ट को भी हम लोग अभी एनालाइज कर लेंगे, देख लेंगे क्या बनता है। इसका नेकलाइन एकदम एग्जैक्टली ऐसे जाएगा, देख सकते हो एक वी शेप स्विंग 740 के ऊपर बना हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं, 740 पे एक वी शेप स्विंग क्यों बना हुआ है। क्या है 740 के ऊपर एग्जैक्टली देखो तो ये एक सपोर्ट है ना। अगर इस जोन को हम देखते हैं अगर 740 के आसपास, 750 के आसपास, तो यहाँ पे एग्जैक्टली एक पुल बैक आया था, बहुत बड़ा पुल बैक आया था और वापस चैनल के अंदर गया था। तो वापस अगर हम इन दोनों लाइन को कनेक्ट कर दें, सब कुछ डिलीट कर देते हैं यहाँ से और बस इन दो लाइन को कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, तो एक सपोर्ट मिल जाता है हम लोगों के कि हाँ यहाँ से पिछली बार एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई थी और एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम, उसके बाद स्टॉक ने एक ट्रेवलिंग अच्छी करी थी। तो यहाँ से सेम चीज रिपीट हुआ पड़ा है, बायर्स को पता है कि यहाँ से वापस हमें एंट्री लेनी है। हालांकि वीक हैंड्स को खींचने के लिए थोड़ा सा नीचे जाता है। वीक हैंड्स का मतलब क्या होता है, कमजोर इंसान, कमजोर जिसके पास कम पैसा है उसको खींचने के लिए थोड़ा सा नीचे जाता है। इसीलिए क्योंकि हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, डेफिनेटली वी आर अ कमजोर प्लेयर, तो हम लोग क्या करेंगे अगर जब नीचे जाता है छोड़ देंगे, जैसे ही चैनल के अंदर आता है वापस एंट्री इसके अंदर जरूर बनाएंगे। क्योंकि ये जो बायर हैं वो यहाँ पे एग्रेसिवली एक्टिव हो जाते हैं और अच्छे वॉल्यूम में इसको स्टॉक को ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है हम लोगों को 745 और समथिंग के आसपास, वहां से एक वी शेप स्विंग भी मिल रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हो ये एक वी शेप स्विंग हम लोगों को यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास से डेफिनेटली एक एंट्री बनती है। ऐसे नेकलाइन खींच लेंगे, यहाँ पे एक नेकलाइन दे देंगे इसको यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं। साथ ही साथ एक चैनल का निर्माण हुआ है, मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले क्लास शुरू होने के बाद कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से वी शेप स्विंग बनता है और उसके बाद अगर एक चैनल बनता है तो वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। वापस एक वी शेप स्विंग बन रहा है, देखो ध्यान से देखना इस जोन को 5 मिनट टाइम फ्रेम को, वापस एक वी शेप स्विंग का जोन बन रहा है। क्या यहाँ पे एक वी शेप स्विंग बनेगा क्या, तो वापस हम लोग देख लेंगे। ये है आपका वी शेप स्विंग का नेकलाइन, क्या चाहिए 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर या 10 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर इसके ऊपर एक कैंडल पूरी अच्छे तरह से अगर क्लोजिंग दे देती है। यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच लो ऐसे, ये वाला जोन डे हाई का लाइन खींच लिया है। अगर यहाँ पे कोई कैंडल ऊपर की तरफ अच्छा एक क्लोजिंग, पूरा भरपूर क्लोजिंग देना चाहिए और पूरी की पूरी विक, पूरी की पूरी कैंडल ऊपर होनी चाहिए इसकी, इसकी विक भी नीचे ना हो, विक थोड़ा बहुत नीचे होता चलेगा, पूरा कैंडल एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना चाहिए, एक या दो कैंडल, उसके बाद अब ऊपर की तरफ ट्रेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो एक ये टॉप और एक ये टॉप, दो टॉप बन रहा है और नीचे का ये एक सपोर्ट है इसके पास 762 का। तो यहाँ से अगर ये बाउंस करता है तो हम लोग नहीं जाएंगे ट्रेड में। अब यहाँ से अगर हमें नया अगर ब्रेकआउट मिलता है 767 के ऊपर से तब सोचेंगे, और अदरवाइज मैंने आपको बताया है कि 760 के पास इसका एक सपोर्ट पड़ा हुआ है। तो वो हमने कहाँ देखा है, ये वाला आपका, तो 760 एक चैनल भी बन रहा था जैसा कि आपने देखा, हमने कनेक्ट किया चैनल के अंदर, हम लोगों ने देखा कि ये स्टॉक है और यहाँ से एक अच्छी बाइंग हो सकती है। पहला जो टारगेट अचीव हो सकता है वो 800 का टारगेट अचीव हो सकता है, यानी कि 40 रुपीज इज अ वेरी गुड अमाउंट इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो ये है वी शेप स्विंग। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे पैटर्न्स की तरफ, लेकिन वो बढ़ेंगे हम लोग अगले वीक में, आज हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे। और अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमें सन फार्मा है, चलो तो जैसा कि आप सब जानते हो कि इंडेक्स को हम लोग डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इंडेक्स को हम लोग या तो फ्यूचर्स के माध्यम से या फिर ऑप्शंस के माध्यम से, या फिर अगर हमें इंडेक्स के अंदर निवेश करना है तो हम ETF के माध्यम से इंडेक्स जो है इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ETF के माध्यम से जैसे हम म्यूचुअल फंड बाई करते हैं उसी तरह से हम ETF बाई करके चल सकते हैं, बैंक निफ्टी का, निफ्टी 50 का, फाइनेंस निफ्टी का, ठीक है, इनका ETF बाई करके चल सकते हैं हम लोग बहुत ही लॉन्ग टर्म में अगर हम लोगों को निवेश करना है तो। और साथ ही साथ अगर हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है तो जैसा कि आप सबको पता है कि इंडेक्स में हम लोगों को अगर ट्रेड करना है तो हमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस के जरिए ही हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए।
और दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं। जैसे निफ्टी बैंक को अगर आप देखते हो, यहाँ पे बाई सेल करने का कोई ऑप्शन तो आता ही नहीं है, निफ्टी 50 के ऊपर भी बाई सेल करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। लेकिन स्टॉक्स के अंदर हम डायरेक्टली भी ट्रेड कर सकते हैं और हम लोग उनके फ्यूचर और ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नजर डालते हैं हम लोग फ्यूचर्स के ऊपर कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्या होते हैं। देखना, फ्यूचर्स जो होते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर्स जो है ये क्या करते हैं, ये फ्यूचर्स डायरेक्टली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि निफ्टी बैंक में ट्रेड करने से डायरेक्टली अच्छा है कि निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स में ट्रेड किया जाए, क्योंकि वहां पे जो बंदा प्राइस एक्शन सीखा होता है वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल होता है। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत वहां आती है क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत कम होता है, फ्यूचर में निवेश करने का पैसा ज्यादा लगता है, दिक्कत वहां आती है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि अगर इसी स्टॉक को अगर हम लोग सन फार्मा थोड़ा सा इसका बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे सन फार्मा दिसंबर फ्यूचर, ये मंथली फ्यूचर है इसका, इसको हमने ऐड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो ये दिसंबर का फ्यूचर है ये क्या होगा, ये मंथली एक्सपायर होगा। अब आप कहते हो कि थोड़ी सी आपको क्या है, आपके पास फंड की कमी है और थोड़ा सा आपको कर्जा चाहिए, यानी कि लेवरेज चाहिए, ठीक है। तो बहुत जितना बड़ा कर्जा होगा, अगर लॉस होगा तो उतना बड़ा लॉस होगा, और जितना बड़ा कर्जा होगा, जितना बड़ा आपने उधार ले रखा है, अगर प्रॉफिट होगा तो उतना ज्यादा होगा। तो लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फ्यूचर्स के अंदर दोस्तों, कि यहाँ पर जो है आपको क्या मिल जाता है, एक लॉट साइज मिल जाता है। अब कैलकुलेटर यहाँ पे खोल लेते हैं एक बार, कैलकुलेटर हमने खोल लिया यहाँ पे। सन फार्मा जो है 764 का, 764 अगर हम इसका 700 करते हैं डायरेक्टली कैश में तो हमें कितना पैसा लगता है, 5,34,800 है ना। अगर मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम लोग 5,34,800 रुपीस हम लोगों को कैश में लग रहा है अगर हम 700 क्वांटिटी बाई करते हैं तो, लेकिन अगर हम इसी को फ्यूचर्स में बाई करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है, देखो कितना मिल रहा है, लग रहा है ओनली 1,30,000 रुपीस लग रहा है। तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यह है कि बाकी का जो पैसा है वो क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि आपको कर्ज मिल रहा है। तो ध्यान रखना, जब लॉस होगा तो 700 क्वांटिटी के हिसाब से ही लॉस होने वाला है आपका, ना कि यहाँ पे लेवरेज के हिसाब से आपको कोई यहाँ फायदा होने वाला है। लेवरेज इन द सेंस आप मार्केट से कर्ज ले रहे हो, आपके ब्रोकर से आप कर्ज ले रहे हो कि हाँ मुझे कर्ज चाहिए, मैं बुलिश हूँ इस स्टॉक के ऊपर और मैं इसका फ्यूचर बाई करना चाहता हूँ। तो 700 क्वांटिटी कम पैसे में आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, ये है आपका फ्यूचर्स। फ्यूचर्स एनालाइज करने हम लोग और आगे सीखेंगे, प्राइस एक्शन ही उसके अंदर काम करेगा फ्यूचर्स के अंदर। और उसके अंदर आप खुद ही सोच सकते हो कि 700 का अगर ये लॉट है और यहाँ पे हमें 10 रुपए का भी मूवमेंट आता है तो कितना प्रॉफिट हमें देखने के लिए, 7,000 का तो हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिल ही सकता है, वो भी एक दिन के अंदर। इंट्राडे में भी अगर 10 रुपए पकड़ लेते हो बड़े बड़े स्टॉक जैसे सन फार्मा हो गया, HDFC हो गया, बजाज फिनसर्फ हो गया इसके अंदर, तो ठीक है। लेकिन ये आगे, अभी बिल्कुल फ्यूचर्स को ट्रेड नहीं करना, अभी बस हम समझ रहे हैं कि फ्यूचर्स होता क्या है ना। अच्छा, फ्यूचर्स मंथली एक्सपायर होता है। फ्यूचर देखो हमेशा जो हमारा स्पॉट है, अगर मैं स्पॉट की बात करता हूं तो जैसे सन फार्मा दिसंबर फ्यूचर, ठीक है, इसका स्पॉट क्या हुआ, सन फार्मा हमारा स्पॉट हो गया इसका, है ना। तो ये क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे चलता है। दिस इज अ शैडो, फ्यूचर इज अ शैडो ऑफ द स्पॉट, है ना। स्पॉट की परछाई होती है फ्यूचर और ये थोड़ा सा आगे पीछे चलता है, लेकिन मंथली के एक्सपायरी में दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि फ्यूचर और स्पॉट दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट अगर मैं खोल लेता हूँ, दिसंबर फ्यूचर आपका 765 और अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये चल रहा है 764, तो 1 रुपए 1.5 रुपए का फर्क है, लेकिन जब एक्सपायरी आएगी तो दोनों इक्वल के आसपास पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार से ऑप्शंस के अंदर एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी जीरो हो जाते हैं, उसी प्रकार से फ्यूचर्स और स्पॉट इक्वल के आसपास पहुंच जाते हैं एक्सपायरी के दिन,
इतना हम लोगों को अब तक समझ में फ्यूचर के बारे में आ चुका है। वी शेप स्विंग के बारे में भी हमने अच्छी खासी जानकारी ले रखी है। डबल टॉप एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न, डबल बॉटम एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है कि अब आपके ध्यान से ये नहीं हटेगा, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है, ये निफ्टी बैंक ही है। देखो डबल बॉटम पैटर्न है, इसका एक नेकलाइन है, नेकलाइन के ऊपर खड़ा है। जब ये नेकलाइन 200 समथिंग का जब ब्रेक करेगा तो आप देखना कि बहुत ज्यादा भी ब्रेक हो सकता है। वैसे तो आज मेरा इंटेंशन था, कल ही मैंने ये चीज कहा था कि करेक्शन आना है, ये बुल ट्रैप हो रहा है, ये शॉर्ट कवर है, साथ में फ्रेश बाइंग है, छोटा मोटा, सिर्फ और सिर्फ बुल ट्रैप करने के लिए, यानी कि लॉन्ग पोजीशंस वालों को। देखो जब तक बिकवाली करने वाले लोग नहीं होंगे तब तक कैसे कोई खरीदेगा। वैसे ही जैसे अगर मान के चलो हम लोग यहाँ पे किसी चीज को खरीदते हैं, तभी तो जो बड़े प्लेयर हैं उसको बेच पाएंगे। डिमांड होगा तभी तो सप्लाई होगा, और सप्लाई होगा तभी डिमांड होगा, राइट। तो दोनों चीजें मिले जुले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 500 के जोन के ऊपर निफ्टी बैंक ने कितना इजी बुल ट्रैप किया है। और यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग की होगी, डेफिनेटली सबने बाइंग की होगी, तभी तो इतनी बड़ी सेल आई है। यहाँ पे कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई बेच रहा है, डेफिनेटली वहां पे कोई खरीदार है। और अब यहाँ से एक बुल ट्रैप हुआ, और आप देख सकते हो कि 36,250 का मेरा टारगेट था। अभी मैंने एक ग्रुप के अंदर दिया था, और मुझे लगता है अगर संजय यहाँ पे होगा तो संजय बता भी सकता है इस चीज को, चाहे उबेद भी बता सकता है। संजय 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 संजय, हाँ संजय आप हो ना 70 वाले ग्रुप में? यस सर। अभी मैंने 250 का दिया, टारगेट अचीव हुआ, देखो ऑलमोस्ट, है ना? जी सर। तो ये वही चीज है, 250 क्या था, ये डबल बॉटम का एक नेकलाइन था, देखो ये वाला जोन आपका, जी। है ना? तो मुझे लगा था कि 250 के आसपास बहुत ही इजी पहुंच जाएगा, जिस प्रकार से शार्प सेलिंग यहाँ से शुरू हुई है। और ये ट्रेंड भी ब्रेक हुआ है, ये एक चैनल बना था, असेंडिंग ट्रायंगल एक बना था, वो भी ब्रेक हुआ था। तो हम लोगों का आज दोनों टारगेट अचीव हुआ है ना, ये वाला टारगेट भी और ये वाला भी अचीव हुआ है। दिस इज हाउ वी नीड टू ट्रेड। अच्छा संजय, आप तो पुराने ग्रुप से जुड़े हो, नए लोगों को क्या राय देना चाहते हो? सर जैसा आप कहते हैं अगर वैसा करें तो सर बहुत अच्छा कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसा आप कहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब उसे अगर प्रैक्टिस करें तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। पर आपके जैसा कोई टीचर है नहीं सर अभी तक। थैंक यू संजय जी। तो देखो मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा शो ऑफ करने से कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं बनता, और शो ऑफ वालों का वीडियो देखा भी मत करो, बहुत प्रॉफिट वाले वीडियो, वो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो देखो बहुत ही बेसिक एनालिसिस किया, आज सुबह में भी हम लोगों ने बहुत बेसिक एनालिसिस से ही किया था ना संजय जी, 500 के ऊपर बहुत बेसिक एनालिसिस लिया था, डबल टॉप पैटर्न, और साथ में हम लोगों ने ऑप्शन चेन देखा 500 के ऊपर, हम लोगों ने पी बाइंग करने का मैंने सलाह दिया, नीचे का प्रॉफिट, और फिर 250 के आसपास का एक जोन। तो दोनों टारगेट हम लोगों का, इसमें बहुत बेसिक कुछ इंडिकेटर नहीं था, देखा आपने, कोई इंडिकेटर नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन वर्क्स इटसेल्फ, प्राइस एक्शन इटसेल्फ इज अ गॉड ऑफ द बैंक निफ्टी या फिर एनी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ठीक है। तो चलो हम लोग वी शेप स्विंग तक यहाँ पहुंच चुके हैं अभी, और अब हम लोग बनेंगे हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैंडल स्टिक पैटर्न। और कैंडल स्टिक पैटर्न के लिए दो टीचर होंगे, एक तो मैं रहूंगा ही रहूंगा, एक टीचर और इस बार से ऐड होने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना उस चीज के लिए। वो कैंडल स्टिक के वो बहुत अच्छे, मतलब मेरा स्टूडेंट ही है वो लड़का, और संजय साहब आपको पता भी होगा, उसका नाम विशाल है, आपके ही ग्रुप का है लड़का, तो वो आएगा कैंडल स्टिक मेरे साथ, वो भी आपको पढ़ाएगा कैंडल स्टिक, है ना? ओके सर। हालांकि मेरे कैंडल स्टिक जिन पे मैं बिलीव करता हूँ वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, मैं 5 से 6 कैंडल स्टिक के ऊपर बिलीव करता हूँ, बाकियों के ऊपर मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, ठीक है। तो मैं वो पढ़ाऊंगा आगे चल के। थर्सडे का दिन है, ऑप्शन अभी इन लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है, तो ऑप्शन की तरफ हम लोगों को बढ़ना नहीं है, सेलिंग कैसे करना है ये आगे देखेंगे, फ्यूचर्स में शॉर्ट कैसे करना है, और फिर बाई कैसे करना है। लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको अगले गुरुवार के दिन ट्रेड करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको ट्रेड करना है, फिलहाल हम लोग इसी को सीखते रहेंगे, ठीक है। अच्छा पुराने ग्रुप मेंबर्स जितने भी हैं आप लोग हैंड रेज मत करना कोई भी, क्योंकि नए लोगों को मौका देना है, आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे जोड़ा गया है। अब देखो अब यहाँ पे भी सब कुछ अगर भूल जाए तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, देखो ध्यान से डबल बॉटम एक संजय पैटर्न बन रहा है। तो टारगेट क्या ले सकते हो यहाँ से, क्या टेस्ट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग समझें इस जोन को, तो खैर आज तो ऑप्शन चेन देखने का दिन है, तो हम लोगों को 350 का जोन आने वाले थोड़ी वक्त में देखने के लिए मिल सकता है, 350 जाएगा, और नया सेलिंग अगर शुरू होगा तो 350 के आसपास से एक सेलिंग, फ्रेश सेलिंग शुरू होता होगा दिखेगा। दिस इज वेरी इजी लोअर लोज और लोअर हाइज लगाने के लिए, ऊपर जा रहा है वो भी साथ में डबल बॉटम पैटर्न के साथ। सेकेंड हाफ में आज उम्मीद करो कि अच्छी करेक्शन देखने के लिए आप सबको इसके अंदर मिल सकता है।
ओके तो आज कोई नया चैप्टर नहीं दे रहा हूं, आज सिर्फ उसी चीजों को प्रैक्टिस करते हुए बीसेप स्विंग, डबल बॉटम, डबल टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रायंगल्स जितने भी बताए हैं इन सब सारे चीजों को, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को दिया है क्या एनएससी में जाना है, यहाँ पे टॉप गेनर्स टॉप लूजर में तीन स्टॉक उठाना है सुबह सुबह ही। अच्छा ये बदलते रहते हैं, जब ये बदलते रहते हैं तो आपको नहीं बदलते रहना है, आपने तीन ऊपर से उठा लिया टॉप गेनर्स, नीचे से उठा लिया टॉप लूजर्स, और टॉप गेनर्स के अंदर हायर लोस का जोन उठा के बाई करना है और टॉप लूजर्स के अंदर लोअर हाइज के ऊपर सेल करना है, और वो करना है पेपर पे। तो ये प्रैक्टिस आज दिन भर करना है आप सबने, ठीक है, और फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, इस दिन से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ। अभी फिलहाल इसी को कंटिन्यू रखो मंडे से लेके, और फिर आपके पास मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तक का टाइम है सुबह तक का, कि आप इन सब चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, है ना। कुछ भी नया नहीं है आज, सब कुछ पुराना ही है, थोड़ा स्लो चलेगा क्लास लेकिन स्टडी रहेगा, स्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी ऊपर ऊपर भागना कोई अच्छी बात नहीं है। देखो एक स्ट्रॉन्ग एक चैनल बना, एक चैनल से यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, यहाँ से एक ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद क्या टेस्ट हुआ है, यही जोन टेस्ट हुआ है रेसिस्टेंस का, एज अ सपोर्ट ऊपर गया है नीचे आया है, क्या ये चैनल में वापस नहीं आ गया। देखो नीचे का जोन सन फार्मा को ही अगर हम लोग देख लेते हैं तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो नीचे का जो चैनल है वो टेस्ट हुआ है, तो डेफिनेटली ये सपोर्ट है, और सपोर्ट है तो ऊपर एक रेसिस्टेंस है, तो वो रेसिस्टेंस कहाँ है, क्योंकि अगर ये चैनल में वापस आ गया है तो रेसिस्टेंस कहाँ बनेगा आपका, ऊपर बनेगा, राइट। दिस इज हाउ आपको एनालाइज करना है, एनालाइज करके पेपर पे ट्रेड करते रहो और आगे बढ़ते रहो। लेता हूँ Q&A, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हम लोगों का Q&A होता है संडे को, ध्यान रखना संडे को Q&A है, तो संडे को ही इसको हम लोग देख लेंगे। अनिल सिंधे बताओ, सिंधे साहब अभी भी कुछ बाकी है आपका, आपसे तो बात हुई ना मेरी, हाँ अभी की है सर बात की। चलो निवेश हाँ जी निमेश बताइए, मिस हेलो हाँ जी निमेश जी, हाँ जी सर मैंने ना कल वी शेप के पैटर्न देखे थे, सर एक तो ब्रिटानिया में बन रहा था, वेरी गुड, हाँ जी एक तो ब्रिटानिया में बन रहा था, टाइम फ्रेम क्या था, वन डे में वी शेप मिला आपको कहाँ पे, ये वाला सर वी शेप मेरे को वन डे में अगर आप वो करोगे ना जूम, हाँ जी सर ये वाला, हाँ यहाँ पे वी शेप बना हुआ है, ठीक है। फिलहाल अगर आप सपोर्ट देखोगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन ब्रिटानिया इज हियर, और वहीं से बाउंस हुआ है, ब्रिटानिया इज अ मस्ट बाय ऑन दिस जोन फॉर द टारगेट, नेक्स्ट वाला रेसिस्टेंस एंड दैट इज ऑन कम से कम 3714। सर तो हमें रिजेक्शन कैंडल क्लोज होने के बाद बंद करना होता है, हाँ जी, और सर जैसे वन डे में हमें रीटेस्ट का वेट करना है कि जैसे जो रिजेक्ट हो जाता है स्पोर्ट से उसी पे बाय कर लेना है, नहीं यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली जूम करके देख लो, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, दूसरी कैंडल बनी है ग्रीन में, अब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, नीचे का स्टॉप लॉस लगाओगे ऊपर का टारगेट लोगे, मतलब सर रीटेस्ट का वेट नहीं करना, बिल्कुल करना है, जैसे इसमें शायद हुआ नहीं ना, जैसे अगर हम वन डे में देखें, वन डे की कैंडल में तो देखना सर रिटेस्ट, वन डे में देखोगे तो यहाँ पे आया है रिजेक्ट हो चुका है, यहाँ से दूसरा कैंडल आई थी रिजेक्ट करने और उसने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, बीच में क्लोजिंग दी है, दोनों का बॉडी समान है, अब जब इस बॉडी को ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, एक रिजेक्शन फेस कर रहा है यहाँ पे सामने, आप देख सकते हो क्यों कर रहा है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, इस जोन से अगर हमें रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है तो क्यों करना पड़ रहा है, ये साफ साफ हमें यहाँ पे दिख रहा है, डब्ल्यू शेप टाइप है ना, एक डब्ल्यू पैटर्न बना था ऊपर, यानी कि डबल बॉटम पैटर्न बना था, डबल बॉटम को अगर ब्रेक किया हुआ है तो डबल बॉटम पैटर्न तो एक बुलिश पैटर्न है, अगर बुलिश पैटर्न को ब्रेक किया है तो डेफिनेटली जो जोन है वो एज अ रेसिस्टेंस काम करेगा, लेकिन इसमें बाई करेंगे हम लोग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होने के ऊपर,
जब इस चैनल में आएगा, ध्यान रखना नीचे से आ रहा है, इसके ऊपर ऊपर, तो यहाँ से अच्छी वॉल्यूम आएगी इसके अंदर। हाँ जी सर, अभी जैसे इवेंट चल रहा है तो हम बाय कर सकते हैं स्पॉट पे? धीरे धीरे, जैसे अगर मुझे 1,00,000 रुपए निवेश करना है, पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है, और मान के चलो अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर में तो अच्छा मौका है निवेश करने का, और धीरे धीरे करना, जैसे 1,00,000 रुपए मेरे पास है तो आज मार्केट गिर गया नीचे, 10 क्वांटिटी उठा लिया, कल वापस गिर गया, वापस 20 क्वांटिटी उठा लिया, ऐसे धीरे धीरे करके डिप में बाइंग करनी है। हाँ जी सर, है ना, अभी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को, या फिर रिकवरी जहां दिखना शुरू हो जाएगा ग्लोबल मार्केट में, वहां से बाइंग करना शुरू कर देना। आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर में ही या और निफ्टी 50 में ही आपको अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा सर। और एक टाटा कंज्यूमर में भी ना वी शेप दिख रहा है वन डे में, और एक असेंडिंग चैनल पे वो दिख रहा है थोड़ा सा। एक बार ना वी शेप स्विंग छोटे टाइम फ्रेम में ढूंढने की कोशिश करना, 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटा के टाइम फ्रेम में प्लीज। हाँ जी, इसमें तो दिख ही रहा है चारों तरफ वी शेप बना हुआ है। सर इसको अगर आप छोटा करोगे ना तो उसमें भी काफी बड़ा सा दिख रहा है वी शेप। यहाँ पे कई जगहों पे वी शेप दिख रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो एक चैनल बन के ऊपर जा रहा है, हर जगह एक वी शेप दिख रहा है। देखो यहाँ भी एक वी शेप बना हुआ है, वी शेप बनेगा तो अप मूव आएगा, सिंपल एक स्ट्रॉन्ग। और देखो इसको कनेक्ट करोगे तो एक सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, इसको यहाँ से अगर आप कनेक्ट कर देते हो ऐसे तो डेफिनेटली एक सपोर्ट मिल रहा है, और सपोर्ट के ऊपर वी शेप बनना is a good sign। हाँ जी सर, और ये ascending channel पे है support पे एक बारी? बिल्कुल सर, देखो सर आज के दिन क्या रहता, मतलब आज या कल? आज one day time frame में तो bicep swing नहीं है, छोटे time frame में भले ही दिख जाए सर। one day में ना अगर आप zoom out करोगे तो दिख रहा है, मतलब एक bicep वनडे में कहाँ दिख रहा है बिसेप आपको अभी? सर अगर आप जूम इन करोगे ना, सॉरी, हाँ जी सर, यहाँ से जो चैनल शुरू होगा ये वाला एक कैंडल। हाँ जी सर, नहीं इसको बिसेप नहीं मान सकते अभी फिलहाल। नहीं सर यहाँ से नहीं, अगर आप जूम इन करोगे ना तो नीचे से शुरू हो रहा है एक असेंडिंग चैनल मार्च 2020। ठीक है, संडे को हम लोग इसको कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर, देखो डबल बॉटम पैटर्न यहाँ से कितना अच्छा मूव है, और डबल बॉटम पैटर्न का अगर आप नेकलाइन देते हो, देखो यहाँ भी रिटेस्ट हुआ है, ये मौका हर बार देता है डबल बॉटम पैटर्न, यहाँ पे एक वी शेप स्विंग, तो ये सब चीजें आपको बस प्रैक्टिस करनी है। देखो जो हो चुका है इसको प्रैक्टिस करना बहुत ईजी है, जो हो रहा है उसके अंदर प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। लाइव मार्केट में आप कैसे पकड़ पाते हो पैटर्न को, तो ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, है ना। आज कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो भी पुराना है बस उसी को रिपीट करके और छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नया पढ़ाऊंगा वापस बुधवार और गुरुवार के दिन, चलो ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, आज बस जनरल इन्हीं चीजों को रिपीट किया है बस। देखो मैं चाहूँ तो आज वापस मैं आगे भी पढ़ा सकता हूँ, थोड़ा सा एडवांस में पढ़ा सकता हूँ, ऑप्शन चेन पढ़ाना शुरू कर दो, लेकिन पहले का प्रैक्टिस पूरा हो जाए, क्योंकि मैं बैक टू बैक आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, जब से क्लासेस शुरू किया है मैंने, मैं आपको होमवर्क ही देते जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक चैनल यहाँ पे भी बन रहा है निफ्टी बैंक में, अगर आप ध्यान से देखो तो एक चैनल ऐसे बन रहा है नीचे से, और उसी का सपोर्ट अभी तक मिलता हुआ, वापस 500 जाएगा, वापस यहाँ पे नया पी बाइंग होगा, सेलिंग होगा, ध्यान रखना 250 के आसपास से हम लोग जा रहे हैं, 250 एग्जैक्टली अचीव हो गया है, 250 समथिंग कुछ ना कुछ अचीव हो गया है। चलो जी आज बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, बहुत कुछ नया नहीं बताया है, उन्हीं सब सारी चीजों को प्रैक्टिस किया है, और यहाँ से आप जाना है आपने ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इसके अंदर क्या ढूंढना है, जो लूजर्स हैं, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने का, पूछो मत, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो इसमें लोअर हाइज का जोन ढूंढना है, देखो यहाँ से ब्रेक हुआ पड़ा है, यहाँ से ब्रेक हुआ, इस जोन से ब्रेक हुआ तो किसको टेस्ट करेगा, लोअर हाइज
इस जोन से अगर ब्रेक हुआ है तो इस जोन को आपका लोअर हाई टेस्ट करेगा, है ना, एग्जैक्टली ये वाला आपका लाइन। अब उसको ब्रेक करेगा तो इसको टेस्ट करेगा लोअर हाई। फ्रेश सेलिंग कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। अच्छा, नीचे शॉर्ट कवर कहाँ पे होगा, तो शॉर्ट कवर यहाँ पे होगा। सारी चीजें ऐसे प्रैक्टिस करना है आपको। अगर आप सुबह से प्रैक्टिस कर रहे होते इसी के अंदर, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर पेपर पे भी प्रॉफिट हुआ होता आपको, लोअर हाइज पे बेचा, नीचे सपोर्ट पे खरीद लिया, वापस लोअर हाइज कहाँ बनेगा, तो यहाँ बनेगा, ये टेस्ट होगा, फ्रेश सेलिंग शुरू होगा, वापस यहाँ तक आ जाएगा। दैट इज हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन द पेपर्स। पेपर पे प्रैक्टिस शुरू करें और ऐसे ही आगे बढ़ना है। जो भी बेरिस, जो भी लूजर्स हैं, लूजर्स के ऊपर लोअर हाई ढूंढ लेना है, और जो गेनर्स हैं, गेनर्स के ऊपर हायर लो का जोन ढूंढना है। दो काम करना है, और स्टॉक कहां तक जा सकता है, टारगेट वन डे टाइम फ्रेम पहले लगाएंगे, बाद में 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, ऐसे एनालाइज करेंगे हम लोग। और इसको आप करते रहो, और तब तक फिर मैं अगली क्लास लेके आपके लिए आता हूँ कुछ नए स्ट्रेटजीज के साथ। फिलहाल मैं आज कुछ एडिशन नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, इतने पे ही आपको छोड़े जाता हूँ। संडे को क्यू एन ए करेंगे, जितना पढ़ाया है अभी तक उतना सब कुछ क्लियर रहेगा, तो मंडे से आगे बढ़ेंगे। एक एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए मैंने कहा था आप सबको, वो एक्स्ट्रा क्लास मैं अभी आपको टाइम निकाल के और आपको भेज रहा हूँ कि वो कब होगा आपका, जिसके अंदर कुछ अच्छी चीजें आपको बताई जाएंगी कि निवेश करना है अभी इस समय, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है निवेश का। तो निवेश का आप देखो, निवेश स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं, तो निवेश करना है, तो निवेश के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी को कैसे हम लोग ग्रैब कर सकते हैं, इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं, कि जब मार्केट इतना फॉल हो रहा है तो कैसे इसके अपॉर्चुनिटी को हम लोग फायदा में उठाएं और अपना पोर्टफोलियो को बनाएं।